अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको 10th के जनरल मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने लगी हूँ, ठीक है। कल पेपर है, टाइम हो गया रहता है कम, और आपने प्रैक्टिस वगैरह तो काफी यानी कर ली होगी, ठीक है। तैयारी तो आपकी हो गई है, अब आप लोग फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी ऐड कर लें जो कि मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। ये वाले वो क्वेश्चन बताने लगी हूँ बच्चे जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी बुक में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके मैं इसलिए मैंने सारे प्रीवियस पेपर्स को चेक किया और वाला निशान वगैरह लगाने के बाद ना ये एक आपकी ये नोट्स तैयार किए हैं, इनको करें, ठीक है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह उनको भी अपलोड करती हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन बताने लगी हूँ बच्चे, ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है, जनरल मैथ के। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, चैप्टर वाइज सारा मैंने नोट्स बनाया है। यूनिट नंबर 1 में आप एक्सरसाइज 1.1 के बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 27, मतलब ये जो नंबरिंग कर दी है ना, ये वाले आप कर लीजिएगा। 1.1 के भी, ठीक है, 1.2 के 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 8 है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 1.3 है तो उसके भी पार्ट वाइज भी बता दिया, उसके अलावा बाकी भी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है असल में, क्वेश्चन नंबर 3 और 2, ठीक है, और 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो वाले बताएं, ये सर मुझसे गलती से इकट्ठा लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है, 2 में 2.1 है, 2.2 और 2.3 है, ठीक है। इन तीनों में भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख दी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, 3 में आ जाते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 4 और इनके भी ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, यूनिट नंबर 4 के भी, और इनके 2 एक्सरसाइज ठीक है, और इसमें ये वाले क्वेश्चन जो है ये वाले इंपॉर्टेंट है, निशान साथ साथ लगाए जाओ, ठीक है। इन क्वेश्चंस की बार 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 में क्वेश्चन करो, और जो जनरल मैथ के क्वेश्चंस होते हैं इनमें ज्यादा जो फायदा, ये दूसरा मैथ जो है ना मतलब साइंस का, उसमें रिपीट होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जो जनरल मैथ है इसमें तो फिक्स होते हैं कि यही वाले क्वेश्चन बार बार यही आने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो मैं लिख के भी अपलोड कर देती हूँ। उसके अलावा ना शॉर्ट को जरूर बच्चे चेक करते रहा करो, क्योंकि आजकल मैं जितना भी मॉर्निंग का पेपर है वो भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और जो उसके अलावा नोट्स हैं वो भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी, शॉर्ट में भी इनके अपलोड कर रही हूँ, और चैनल पे जो शॉर्ट है उनको भी चेक करो और साथ में लॉन्ग को भी, तो सभी सब्जेक्ट के साथ साथ मैं फिर आपके अपलोड किए जाऊंगी। तो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, इसके भी निशान लगा लें। 5.1 के इनके ये क्वेश्चन है, 5.2 के हैं, 5.3 में जस्ट 2 और 8 ही था, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग नोट कर लो, सही है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 है, इसके ये वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, इनके क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है, 4 है, 5 है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स बता दिए हैं, 7.4 है, इसका 1 क्वेश्चन है और ए पार्ट है और बाकी डी पार्ट है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 8 है, और 8 के ये वाले सारे ठीक है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है, इसके एक ही एक्सरसाइज है। और उसके बाद 9 है, 9 के भी ये वाले बता दिए, ठीक है, और 3 एक्सरसाइज है, तीनों के मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो बता दिए। 10 जो है उसका ये 1 क्वेश्चन है, उसके ये सब पार्ट्स हैं, और 2 के 2 पार्ट्स हैं, और 4, 5, 9, 11 है, ठीक है, बाकी खत्म है, इतने ही थे और ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वगैरह अपलोड करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद बाकी भी शाम तक इनके एक्सरसाइज, बाकी सब चीजें नोट्स भी मिलती रहेंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि नेक्स्ट जो पेपर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो आपको साथ साथ ही यहाँ पे मिलते जाएं, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाया करेगा तो आप भी ले लिए क्वेश्चन वीडियोज को जरूर किया करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।